सभा की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, कार्यकर्ता जो है वहां पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। तस्वीरें जो हम आपको इस वक्त दिखाएंगे मेट्रो मुंबई पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें की, राज ठाकरे की थाने की सभा में स्वयं भगवान श्री हनुमान जो है वो प्रकट हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, राज ठाकरे की सभा में हनुमान प्रकट हुए हैं, हाथों में गदा लिए और साथ ही उनके साथ मन से नेता तुलसी भी है जो कि लड्डू बांट रहे हैं, उनके हाथों में भोंगा भी है, लाउड स्पीकर भी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ आप मेट्रो मुंबई पर देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से जोरों शोरों से नारा लगाया गया। हमारे सहयोगी सुरेंद्र जी ने इनसे बात भी की है, जरा सुनिए इन्होंने क्या कहा है। ये तस्वीरें, ये आवाज, ये नारे की आवाज आप साफ तौर पर सुन सकते हैं। राज ठाकरे आज शाम 6:30 बजे थाने में गरजने वाले हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं के अंदर काफी ज्यादा उत्साह है, खास तौर पर सभी के मन में ये है कि राज ठाकरे आज क्या बोलेंगे। राजनीतिक हलचल भी जो है वो काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। ऐसे में ये तस्वीर जो है वो सामने आई है, था राज ठाकरे मनसे के नेता तुलसी स्वयं वहां पर खुद हनुमान जी को लेकर पहुंचे हुए हैं। ये आप तस्वीरें जो है वो देख सकते हैं, थाने की तस्वीरें, सुनिए क्या कहा है उन्होंने। नमस्कार, मैं हूँ सुनील धोटिंगे, आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई न्यूज। देखिए मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तलाव पाली का शानदार दृश्य, छत्रपति शिवाजी महाराज के वहाँ पे पुतला, और मेरे सामने जो है बाजू में ही अगर आप देखेंगे तो बजरंग बली। देखिए बजरंग बली हनुमान रामायण में प्रसिद्ध है, जब भी किसी को जरूरत थी तो हनुमान ही उठ खड़े हुए थे, जब भी अगर किसी को संजीवनी चाहिए तो हनुमान ही थे जिन्होंने संजीवनी लाई। तो ऐसी ही कुछ परिस्थिति महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की राजनीति गर्म हो चुकी है। इसके पीछे का रीजन है राज ठाकरे ने, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने जिस तरह से बयान दिया था, जिस तरह उन्होंने कहा कि मस्जिद के ऊपर अगर नमाज पढ़े जाएंगे, भोंगे लगा जाएंगे, तो हम भी जो हनुमान चालीसा पढ़ा जाएंगे। इसलिए हनुमान जी प्रकट हो चुके हैं थाने में। थाना में सब है, तुलसी जी आप हमारे साथ हो, क्या बताना चाहेंगे, कितने उत्सुक हो? आज मुझे पूरे महाराष्ट्र के, पूरे हिंदुस्तान के, पूरे विश्व के लोग आज खुश है, सबके एक ही नजर है कि आज सम्माननीय राज साहब का क्या बयान होगा और आज साहब किसका किसका, वो ये पूरा उनका एग्जाम लेने वाले आज, और सम्माननीय राज साहब का आज पूरा भाषण के लिए सब पूरे लोग आज उत्सुक है। तो देखिए आपके बाजू में, आपके हाथ में भोंगा, इस पे आपका नाम भी लिखा है शायद, महाराष्ट्र सैनिक, तो ये भोंगा बांट रहे हो या आज के लिए आपने लाया हुआ है? सम्माननीय राज साहब ने गुड़ी पड़वा के दिन ऐलान किया था कि जो जो मस्जिदों पे जो उनको धर्म के, कोई धर्म के उसमें विरोध नहीं है, मगर जो भोंगे लगाते हैं वो अनलीगल है, और न्यायालय ने भी बताया ये अनलीगल है, बार बार न्यायालय ने बताते हुए भी वो लोग ध्यान में नहीं ले रहे। राज साहब ने गुड़ी पड़वा के दिन बताया, अब तो वो ध्यान में लेंगे, अगर वो अभी भी ध्यान में नहीं लेंगे तो राज साहब का आदेश आएगा तो हम उनके पीछे आइए। राज ठाकरे की सभा है तो जाहिर सी बात है लाखों में लोग आते हैं, लेकिन थाने महानगर पालिका ऐसा कहना है मनसे का कि थाने महानगर पालिका उन्हें जगह नहीं दी है, इसलिए मैंने अभी वहाँ पे देखा तो 22,000 कुर्सियों की तो अरेंजमेंट है। पालघर जिला से कितने लोग आएंगे और क्या ये जगह कम गिरेगी? जगह तो कम पड़ने वाली है कि सभा हमारे नेता की है, सम्माननीय राज साहब की है, और इन लोग को पसीना आ चुका है कि आज क्या होने वाला है क्या नहीं, तो जगह तो जगह के तो बात छोड़ो, ये लोग रात को नींद भी नहीं निकल रहे, इतनी उनकी हालत खराब हुई है। तो देखिए आखिरी सवाल होगा मेरा कि जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो हम जय श्री राम बोलते हैं, जय श्री राम, राम का जब भी नाम लेते हैं तो हनुमान का नाम होता है, हनुमान आपके साथ है, तो क्या है हनुमान मनसे पार्टी को फिर से एक बड़ी छलांग लेने में मदद करेगी? हाँ, ये तो मुझे पत्थर पर लकीर है, ये तो होने वाला है, और सम्माननीय राज साहब का मार्च में जैसा एक सतयुग में राम राज्य आया था, अभी एक कलयुग में राजयोग और राज्य आएगा महाराष्ट्र में। तो देखिए कलयुग में राज्य आने की संभावना है, क्योंकि मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं हनुमान जी प्रकट हो चुके हैं, और थाना में कुछ ही घंटों में राज ठाकरे की सभा होने वाली है, और इसी तरह से लोग लाइव जुड़ेंगे, देखेंगे और अपनी प्रतिक्रिया देंगे। सुरेंद्र झोटिंगे, मेट्रो मुंबई न्यूज के लिए। हरे 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 हरे
जनता। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश। मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान गिरफ्तार। भारत सरकार का बड़ा फैसला। 15 अगस्त से मुंबई करो को लोकल में एंट्री। खबरों का सहनसा, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।